ये आप मेरे साथ बने रहें। देखो मैंने कितना बढ़िया उपमा बनाया। यहाँ मैंने सूजी भून के रख ली है। अब मैंने डाल दिया है तेल कढ़ाई में। तेल कुकिंग ऑयल ले सकते हो आप, सरसों का तेल बिल्कुल ही मत लेना, कुकिंग ऑयल ही डलता है या तो घी। अब मैंने डाल लिया काली सरसों तड़के वाली और मूंगफली सिंगदाना जो भी कह लो, तो अपने हिसाब से आप इतना डालें। अब मैंने डाला है चने की दाल। मैंने चने की दाल भिगोई हुई थी, तो 5-10 मिनट पहले ही चने की दाल आप भिगो दें ताकि आपको चने की दाल का स्वाद अच्छे से आए और टेस्ट बरकरार रहे और टेस्ट में खाने में दांतों में लगे ना कड़ कड़ करके, तो अच्छे से इसमें पक जाती है चने की दाल ना। तो देखो चने की दाल ऐसे बनती है। अब मैंने डाला है उसकी दाल जो इडली में डलती है, माश की दाल, वो डाली है। हम कहते हैं माश, आप पता नहीं क्या कहते हैं इसमें। वाइट दाल डाली है इडली वाली। अब मैंने डाली है जी प्याज। फटाफट मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुकिंग ऑयल के साथ। कुकिंग ऑयल ही लें, कल मैंने परसों मुरिंगा का बनाया था उसमें भी कुकिंग ऑयल ही डलता है, घी और सरसों का तेल नहीं डलता है। कुकिंग ऑयल और प्याज से बनेगी, बड़ी टेस्टी बनेगी। मुरिंगा बनाओगे तो ऐसे बनाएं, घी बिल्कुल ना डालें। अब मैंने डाला है जी मटर। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करूँगी। ये देखो मटर को भी पूरा हमें 40-40-50% को गलाना है तड़के में, अच्छे से घी में भूनना है, मतलब कुकिंग ऑयल में भूनना है। ये ऐसे मैं इसको भून रही हूँ। अब मैं डालूँगी मटर को। क्या है, मटर तो वैसे ही हरी ताज़ी आती है, ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो स्टीम में भी पक जाती है। तो मटर को मैं इसमें कुकिंग ऑयल में भी अच्छे से मैं भूनूंगी, तो मटर हो जाएंगी। अब मैंने डाला है टमाटर। टमाटर गाइस ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है टमाटर डालो या ना डालो, ऑप्शनल है। आप डाल भी सकते हो, नहीं डाल भी सकते हो, जिसको पसंद नहीं हो स्किप भी करें। यहाँ मेरे घर में पसंद करते हैं तो मैंने टमाटर भी डाला है, स्वाद अच्छा आ जाता है खट्टा। तो अब मैंने डाला है जी मशरूम। मशरूम मैं लाई थी, आजकल बहुत बहुत ही ताज़ी मशरूम मिल रही है, बहुत ही बढ़िया मशरूम मिल रही है। सर्दियों में मशरूम बहुत अच्छे से मिलती है, वरना यही मशरूम बहुत महंगी हो जाती है, 80-80 रुपीज़ का पैकेट हो जाता है, अब तो 20-40 रुपये में मिल जाता है। ये देखो अब मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक और कुटी हुई सुर्ख लाल मिर्च दरदरी। अब मैंने डाली है जी हल्दी। अपने स्वाद अनुसार डालें आप, इसको लगा लो आधा आधा चम्मच के करीब डालें, क्योंकि मैं अंदाजे से डालती हूँ, आप अपने मेजरमेंट रख लें कितना बना रहे हैं। ये देख लो इसको मैं अच्छे से मैं भूनूंगी, नहीं इतना भी भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैं गर्म पानी डालूंगी उसमें ही 80% गल जाएगा। नमक कम था तो मैंने दोबारा डाला है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप पानी गर्म ही यूज़ करें, ठंडा बिल्कुल ना यूज़ करें उपमा में। मैंने एक साइड पानी रख लिया था गर्म होने के लिए, तो मेरा इजी बन जाएगा उपमा। आप भी नाप के लें, 1 कटोरी सूजी है तो 3 कटोरी पानी लें, तो ऐसे ही बनेगा। 1.5 कटोरी सूजी है तो आप उसके हिसाब से 4.5 कटोरी पानी लें। ये देखो मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है। इसको मैं बॉईल कर रही हूँ, वैसे मेरे बॉईल आने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब मैं डाल रही हूँ धीरे धीरे सूजी, जब ये बॉईल आएगा तभी सूजी डालें, वरना गांठें बन जाती हैं। ठंडे पानी में बिल्कुल ना डालें। वैसे तो वो कोसा पानी गुनगुना गर्म पानी ही था, फिर भी इसका उबाला आना बहुत ज़रूरी था। धीरे धीरे रुक के ही सूजी डालें, तुरंत ना डाल दें सारी, क्योंकि गांठें बन जाती हैं। ऐसे हिलाते हिलाते ही डालें, अगर उपमा बनाना है तो ऐसे हिला के ही डालें आपकी, ताकि गिल्टियाँ नहीं बनेगी इसमें, बहुत ही सही बनेगा और स्वादिष्ट बनेगा। ये देख लो मेरी उपमा बनके तैयार है, टेस्टी है, मज़ेदार है, इसमें कोई कमी नहीं है। मशरूम मटर सिंगदाना सब कुछ है, बहुत ही टेस्टी मज़े का बना था, बहुत ही स्वादिष्ट बना था। येलो उपमा भी कह लो इसको, मशरूम उपमा भी कह लो। देखो सिंगदाना कितना बढ़िया फ्राई हो चुका है, बहुत ही कुरकुरा करारा बनेगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। नहीं पसंद आती है डिसलाइक भी करें। थैंक यू गाइज़।